नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं टेक न्यूज़ यूट्यूब चैनल। सामुदायिक शौचालय से जुड़ा एक बहुत बड़ा घोटाला सामने निकल कर आया है, उस घोटाले के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फतेहपुर में तो हद ही हो गई, सामुदायिक शौचालय को ही रहने का आवास बना डाला। विजयपुर ब्लॉक की आदर्श ग्राम सभा रामपुर को जिले की सांसद व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने गोद ले रखा है। ग्राम पंचायत के मजरे मदद अलीपुर गांव में करीब 5 लाख कीमत से बने सामुदायिक शौचालय पर एक परिवार ने कब्जा कर अपना निवास बना लिया है। परिवार का दावा है कि सामुदायिक शौचालय उसकी निजी जमीन पर बना है। शौचालय में कंडा, लकड़ी, चारपाई व गृहस्थी का सामान भरा है। सुरक्षा के नजरिए से कब्जेदार ने शौचालय के चारों तरफ कंटीले तार की बैकग्राउंडिंग कर दी है। ताज्जुब तो इस बात का है कि जिम्मेदार मामले को दबाए बैठे हैं। किसी ने शौचालय को कब्जा मुक्त कराने की जहमत नहीं उठाई है। ODF यानी खुले में शौच मुक्त सांसद आदर्श गांव का हाल ऐसा है तो जिले के अन्य गांव में सामुदायिक शौचालय की हालत कैसी होगी, इसका सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है। अगर सही जांच हो जाए तो स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर हुए बड़े खेल से पर्दा उठेगा और बहुतेरे बेनकाब होंगे। कब्जे के बाबत पूछने पर विजयपुर BDO गिरजा पांडे ने कहा कि मामले की जानकारी नहीं है, मौके की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से बहुत सी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पर सामुदायिक शौचालय के नाम पर बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। सामुदायिक शौचालय में ताला लगा हुआ है लेकिन एंट्री में उसे ओपन दिखाया जाता है और उनमें जो केयर टेकर महिलाएं नियुक्त की गई हैं उनकी सैलरी भी समय पर आ रही है। इस तरह के घोटाले और भी बहुत से देखने को मिले हैं। अगर इनकी सही से जांच हो जाए तो आपको जो है बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे और आपको कई खामियां देखने को मिलेंगी। इसी तरह से अगर जाँच करके सभी सामुदायिक शौचालय को सही से सुधार दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा और सभी की सैलरी भी समय पर आएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।